अगर आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपको बना सकता है करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे फॉर्म्स को पढ़ना है। आज हम लोग हैं रिठाला के अंदर और हमारे साथ हैं योगी योगेंद्र जी, जो सबको करोड़पति बनाना चाहते हैं और उन्होंने एक विशेष योजना यहाँ पे स्कीम लगाई हुई है, मैं इसे डिस्कस करूँगा। योगी जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद योगी जी, आपने मेरे को बताया जैसा कि आप एक करोड़पति स्कीम ला रहे हैं और मैं देख रहा हूँ ये मोदी जी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो क्या मोदी जी आपको फाइनेंस कर रहे हैं? जो आप पैसा मोदी जी देंगे वो आप लोगों में बांटेंगे, तो बताएं कि इतने सारे इनाम भी आपने लगा रखे हैं, फॉर्म भी है, तो क्या है इसकी पूरी रूपरेखा, उसके बारे में बताएं योगी जी। ये 2016 की बात है, जब एक आप पार्टी का विधायक महिला विकास मंत्री संदीप कुमार टैक्स कार्ड में फंसा था, तो उसकी वीडियो वायरल हुई थी और उन्हें उनको बताने के लिए आप पार्टी के नेता आशुतोष ने ये बयान दिया था, ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो गांधी जी भी करते थे और गांधी जी अपने भतीजे के संग नंगे सोचे थे, उन्होंने यहाँ तक का बयान दिया और छोटे बड़े दुराचारी थे, तो उसके पर हमने FIR कटवाई, FIR को कोर्ट में विचाराधीन है वो केस। उसके बाद 2 अक्टूबर 2018 को मोदी जी का बयान आता है, शास्त्री जी और गांधी जी को लगाकर आखिर इनका अपना आदर्श माने और इनके अधूरे सपनों को पूरा करने संकल्प ले और इनके पदचिन्हों पर चले, तो हम आम जनता इसके देख कर सुन के कन्फ्यूज होगी कि एक इंसान को, दो इंसान एक इंसान को अलग अलग से परिभाषित कर रहे हैं, कह रहे हैं चुका दुराचारी है, भतीजे के संग लंगा सोता है, दूसरा प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसको आदर्श मनाए, अधूरे कार्यों सफरा इनके अधूरे कार्यों को पूरा करने संकल्प ले। अब हम कन्फ्यूज कटाने के लिए हम लाए हैं धरती के इतिहास की एक अनोखी अद्भुत पत्र प्रतियोगिता जिसका शीर्षक है हमारे आदर्श कौन और क्यों, ये कौन बनेगा क्वार्टर करोड़पति में विजेता। 10% पूछे गए हैं आम जनता से, किसी भी जाति धर्म समुदाय का इसमें भाग ले सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति या औरत इसमें भाग ले सकती है। उन्होंने मात्र 10% के उत्तर देने हैं, 10% के उत्तर के आधार पर ही उनको विजेता की श्रेणी में रखा जाएगा। वे 10% हमारी वेबसाइट तपस्वी परिवार ORG और दूसरे शांति SSS वेबसाइट पर उसकी जानकारी मिल सकती है। ये देश का एक छुपा हुआ, दबा हुआ, कुतला हुआ अतीत है, जिसको हम इस देश के नागरिक होने के नाते हम इसको जानना चाहते हैं और दूसरों से भी इसको पूछना और उनको जनवाना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है देश के बीच में, जो एक महापुरुष को उसके बारे में भी एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए या समाज को तार तार करने के लिए ऐसे बयान क्यों देते हैं, क्या इन्होंने आक्रोश में आके बयान दिए थे या वास्तव में गांधी जी का जीवन चरित्र ही ऐसा था कि वो दुराचारी व्यभिचारी थे, वे अपने भतीजियों के साथ नंगे सोते थे। इधर मोदी जी कहना चाहते हैं कि उनके दूरे कार्य को पूरा करें, तो क्या हम भी वही कार्य करने लग जाएं जो गांधी जी करते थे, हमें कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। ये हमें क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये उम्मीद हम सरकार से तो कर नहीं सकते, सरकार तो हमें इसलिए जनता के बीच में आना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि जनता में एक से बुद्धिजीव, समाज सेवी, देश प्रेमी और अनेक ऐसे महान बैठे हुए हैं जिसके हम मार्गदर्शन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने योगेंद्र योगी जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये फॉर्म आपको वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस फॉर्म को भरने के बाद आप भर सकते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप उन सबका सही जवाब देते हैं तो आप विनर हो सकते हैं उसके अंदर, और अगर विनर भी नहीं हुए तो ढेर सारे इनाम्स आपको ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर, जैसे रेफ्रिजरेटर है, बाहर जाने का है, मोबाइल है, सोफ़ा, कलर टीवी वगैरह, जैसे बहुत सारे ढेरों सारे इन्होंने इनाम निकाले हुए हैं, और जो सबके सामने पूरी जनता के सामने लकी ड्रॉ बनाया जाएगा और निकाला जाएगा जो भी विनर होगा। और अगर आप बिल्कुल भी देर ना करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है कोई आपका नियर डियर व्यक्ति ही इसके अंदर, आपका अपना रिश्तेदार कोई भी बन सकता है करोड़पति और कोई भी ले जा सकता है ढेर सारे इनाम।